कि उनको नीतीश कुमार की सरकार ने घर से निकालने के लिए 500 पुलिस भेजी थी, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके घर के सामान को सड़क पर फेंका गया था। उस खौफनाक मंजर को मैं आज भी भुला नहीं। हम लोग को क्या पता था कि एक बाघ खीर पका करके एक बिल्ली के पास जाकर पूरा दे आएगा, अपने लिए एक चम्मच उनको खीर नसीब नहीं हुआ। फिर कपड़े पहनकर बाहर निकलने में दिक्कत हो रही हो, उस ठंड में किसान रात को 2 बजे से फर्टिलाइजर के लिए लाइन में खड़ा हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति। मैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को 9 वर्ष की शुभकामना देता हूँ। मैं उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूँ। वो हमारे जैसे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जिस खौफनाक मंजर की बात कर रहे हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तब हम लोग बेली रोड के 28 नंबर घर में रहते थे और मेरे बगल वाले घर में रहते थे। मुझे अच्छी तरह से इसलिए याद है कि उनको नीतीश कुमार की सरकार ने घर से निकालने के लिए 500 पुलिस भेजी थी, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके घर के सामान को सड़क पर फेंका दिया था। उस खौफनाक मंजर को मैं आज भी भुला नहीं। जब भी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति में नई शुरुआत कर रहे थे, हम लोगों जैसे नौजवानों की शुभकामना थी उनके साथ और संवेदना थी कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी जिस मुद्दे को लेकर आगे जा रहे हैं कि बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार के द्वारा पैदा की गई, उसके खिलाफ उन्होंने एक जन अभियान चलाने का क्या काम किया था। याद है कि 2018-19 में 4 साल पहले शिक्षा बचाओ आंदोलन और बिहार में कृषि मंडी कानून लागू करने के नाम पर उनका आमरण अनशन था। लगभग वह मौत के करीब थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी जी ने, शरद यादव जी ने जाकर उनको जूस पिलाया और कुछ दिन तक पहले तक उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में खीर बनाने के कवायद में आंदोलन चला रहे थे। हम लोग को क्या पता था कि एक बाघ खीर पका करके एक बिल्ली के पास जाकर पूरा दे आएगा, अपने लिए एक चम्मच उनको खीर नसीब नहीं हुआ। तो पुंदर जी को शुभकामना है कि वह अच्छी तरक्की करे राजनीति में और हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करते हैं। अच्छा, जिस तरह से लगातार आप नीतीश जी के ऊपर हमलावर हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर के लगातार आगे करते आ रहे हैं, उससे क्या लगता है? आप मीडिया के बंधु हैं, मेरे सवाल जो हैं उस सवाल से आप रोज रूबरू हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जो धान खरीद को लेकर के बिहार में लाठी न चलता हो। इस ठंड के मौसम में आप आए होंगे तो रास्ते में कई जगह फर्टिलाइजर की दुकानों पर लाइन में लोग खड़े होंगे रात से ही। जिस ठंड में लोग पूरे कपड़े पहनकर बाहर निकलने में दिक्कत हो रही हो, उस ठंड में किसान रात को 2 बजे से फर्टिलाइजर के लिए लाइन में खड़ा हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकता। सवाल ये है कि हम लोग जिन कामों के लिए जो हम जनप्रतिनिधि हैं वह सुविधाएं हम नहीं दिलवा सकते, वैसी सवाल को तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश जी को याद दिला रहा हूँ कि सरकार चलाने का जो मुख्य मकसद होता ही है कि भाई किसानों के लिए मंडी कानून की बात कर रहे हैं। आपने भी मंडी कानून का समर्थन किया जब आंदोलन चल रहे थे, देश के आंदोलन, और जब आपको स्वयं यह कानून बनाना है तो आप उस मामले में मौन साध रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने ना भी नहीं कहा है, लेकिन मौन साध रहे हैं। विधानसभा के सत्र में भी मैंने इसे प्राइवेट बिल लाया जिस पर आज तक अनुमति नहीं मिला, जिसकी अभी भी प्रतीक्षा है मुझे कि अनुमति मिले, उस पर बहस हो सके।